पार्ट 5। पिछले पार्ट में मॉन्स्टर अपनी स्टोरी सुना रहा था विक्टर फ्रैंकेस्टीन को। दिनों बाद जब मैं चलते चलते जिनेवा पहुंचा, तब वहां मुझे एक बच्चा मिला। वो भी मुझे देखकर डर गया। कुछ वक्त बाद मुझे एक बहुत खूबसूरत लड़की मिली। उसका देखकर मेरा गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि अब मेरे से किसी भी तरह की खूबसूरती बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं इतना बदसूरत था। इस समय मुझे तुम्हारा भाई भी मर गया। अब बताओ मैं क्या करता, मेरी क्या गलती है, मैं क्या ही कर सकता था। तुम्हें बताओ मैं क्या करता, अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते। मेरा भी दिल करता कि मेरी एक फैमिली हो जैसे तुम्हारी है, सबकी होती है। मुझे भी एक साथी चाहिए। ये पूरी कहानी थी जो उस मॉन्स्टर ने मुझे सुनाई। पूरी कहानी सुनी मैंने। बात सुन के मुझे लगा कि वैसे इसकी बात तो सही है, इसको भी एक साथी की ज़रूरत है। पर मैं क्या करता, मेरा मन नहीं मान रहा था कि मैं एक और क्रिएचर ऐसा बनाऊं जिसको एक बार बनाकर मैं पछता ही रहा हूं। अब मैं फिर से वही एक बार एक मॉन्स्टर बनाऊं। तो उसने मुझसे कहा कि अब मैं कुछ भी नहीं करूंगा, कुछ बुरा नहीं करूंगा। जितना बुरा मैंने किया वो उसकी वजह तो ये थी कि मुझे तुम पर गुस्सा था, पर अब मैं तुमसे बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ। बस तुम मेरे लिए इतना करो कि एक फ़ीमेल मॉन्स्टर बनाओ ताकि मैं उसके साथ रहूं, और मैं फिर उसको लेकर साउथ अफ्रीका चला जाऊँगा, इंसानों से बिल्कुल दूर। अब जब भी मैं इस मॉन्स्टर को देखता था मुझे बहुत गु़स्सा आता था, क्योंकि जब भी मैं उसे देखता था मुझे मेरा भाई याद आ जाता था। पर कभी कभी मुझे उस पर बहुत तरस भी आता था, क्योंकि आखिर मैंने ही उसे ऐसा बनाया है, मेरी ही वजह से वो ऐसा है। तो मैंने सोचा कि क्योंकि ये मुझसे वादा कर रहा है कि अगर मैं इसके लिए एक फ़ीमेल मॉन्स्टर बना दूंगा तो वो उसे लेके कहीं दूर चला जाएगा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसके लिए एक फ़ीमेल मॉन्स्टर बना ही दूँ। इस सब के बाद वो मॉन्स्टर तो चला गया, पर मैं ये सोचता रहा कि क्या मुझे उसके लिए एक फ़ीमेल मॉन्स्टर बनानी चाहिए या नहीं। मैं बहुत परेशान हो गया था। अगर मुझे उसके लिए एक फ़ीमेल मॉन्स्टर बनानी भी पड़ती तो उस पर कुछ रिसर्च करने के लिए मुझे इंग्लैंड जाना पड़ता। मेरी ये सब परेशानी मेरे फादर को समझ में आ गई, और उन्होंने मुझसे कहा कि अब मुझे एलिजाबेथ से शादी कर ही लेनी चाहिए। पर मैं शादी नहीं करना चाहता था, मुझे शादी नहीं करनी थी। मैं पहले ही बहुत परेशान था, और अब मैं शादी नहीं कर सकता था। इस शादी से बचने ही के लिए मुझे इंग्लैंड जाना था। मैं यहाँ शादी से बचना चाह रहा था, और वहाँ मेरे दिमाग में एक और ख्याल आ रहा था कि मैं कभी भी अपने फादर के लिए कुछ नहीं कर सका। खैर, मैं और हेनरी इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड जाने के बाद मैंने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया, बंद नहीं पर बहुत कम कर दिया। मैं किसी से मिलता नहीं था जब तक मुझे मेरे प्रोजेक्ट के मतलब से कुछ काम ना हो। यहाँ पर मेरा दोस्त हेनरी, वो तो नॉलेज इकट्ठे करने में लगा था। वो तो जितने लोगों से मिल सकता था उतने लोगों से मिलता था। कुछ टाइम बाद मैं और हेनरी स्कॉटलैंड चले गए। वहाँ मैंने हेनरी को अपने एक दोस्त के साथ छोड़ा, और आगे का सफ़र अकेले ही शुरू किया। मैं गया एक सुनसान आइलैंड पर, वहाँ एक लैब बनाई, और अकेले में अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट पे काम करने लगा। वहाँ काम करने में मुझे कोई परेशानी नहीं आ रही थी, मैं वहाँ अपना काम कर रहा था। मगर एक रात मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं बना तो रहा हूँ एक फ़ीमेल मॉन्स्टर, पर कुछ भी कह लो हैं तो ये मॉन्स्टर ही ना। अगर कल को ये कह दें कि ये नहीं जाएंगे इंसानों के बीच में से, वो यहीं रहेंगे, तो फिर मैं क्या करूँगा। ये मॉन्स्टर्स तो हैं भी हमसे ज़्यादा पावरफुल। ये सब सोचते सोचते मेरी नज़र अचानक पड़ी खिड़की पर। खिड़की से वो मॉन्स्टर झांक कर देख रहा था कि किस तरह मैं उस फीमेल मॉन्स्टर को बना रहा हूँ, और ये देखकर वो खुश हो रहा था। पर जो ख्याल मेरे दिमाग में आया था उसको मैं अपने दिमाग से हटा नहीं पा रहा था, और इंसानों की भलाई के लिए मैंने उस फीमेल मॉन्स्टर को जितना बनाया था मैंने उसको वहीं पर ख़त्म कर दिया। मुझे नहीं पता ये सब देखकर वो मॉन्स्टर मेरा क्या हशर करता। कई घंटों बाद जब वो आया मेरे लैब में तो उसने मुझे धमकी दी कि तुम्हारी शादी होने वाली है ना, अब देखो मैं क्या करता हूँ तुम्हारी शादी वाली रात को, मैं तो तुमसे बदला अब लेकर रहूँगा। ये सुनकर मैंने सोचा कि अगर इसने मुझे शादी वाली रात आके मार दिया तो एलिजाबेथ विडो हो जाएगी। इसी बीच मुझे हेनरी का एक ख़त मिला। उसमें लिखा था कि कहीं ट्रैवलिंग के लिए चलें। उसके बाद मैंने अपना सारा सामान उठाया जो भी मैंने वो लैब बनाया था, और वो सब समुद्र में फेंक दिया कि चलो कम से कम ये सामान किसी के हाथ तो नहीं लगेगा। मुझे थोड़ा सुकून मिला,
पर तभी एक बहुत बुरी चीज़ हो गई।